हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो हम इस मकसद से बना रहे हैं कि आज के ज़माने में हर कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और इसीलिए बहुत से लोग यूट्यूब पे वीडियो देखा करते हैं। इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि आप सभी कोई ना कोई स्टार्टअप जरूर करें ताकि आने वाले समय में आप कामयाब हों और आप कभी फेल ना हो। आपको बता दें कि जो है जॉब है वो हर कम के लिए नहीं होता, क्योंकि जब है जब तक आप कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है आप कर रहे हैं तब तक है, अगर आप बैठ जाएंगे तो आप क्या करेंगे। काम एक ऐसा किसी कि आप बैठे बैठे पैसे खाते रहे, तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आप सबके लिए। आपका उम्मीद है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के हम वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, जो बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मिट्टी का कूलर। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी का जो कूलर है वो कभी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी के दौर में जिस तरह के चाय का बिजनेस चल रहा है वो बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि जो चाय का बिजनेस है ना वो चलता ही रहेगा और आने वाले समय में इसका डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्योंकि जो चाय है ना वो शौकीन लोग पिया करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उनको बात करना होता है तो वो कहीं नहीं जाते, होटल पर जाते हैं, होटल पर जाकर चाय की दुकान पर बैठ जाते हैं और चाय पीते हैं और बातें करते हैं। यहाँ तक कि वो बात करते करते वो 4-5 कप भी चाय पी जाते हैं। और जो चाय का लत पकड़ लिया है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है और चाय लोग टॉप ही पीते हैं। तो ये बिजनेस जो है आपके लिए बहुत ही शानदार और प्रॉफिटेबल होने वाला है, इसलिए आपको हम एक बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। तो हम आपको चाय बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि चाय पिलाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसके बारे में बताने वाले हैं। और ये बिजनेस करके आप वर्कर रखकर आप खुद बैठ सकते हैं, आप फ्री हो सकते हैं, आप फ्री कर सकते हैं, जहाँ जाना हो आप जा सकते हैं। और काम करने के लिए आप एक आदमी रख सकते हैं, सैलरी पे एक व्यक्ति को रख सकते हैं और वो काम करेगा, वो ही कमाएगा और बैठे आपको मिलेगी। तो ये जो कूलर का जो आइडिया है वो बेहद 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 लाजवाब है। तो आपको चाहिए कि आप कूलर का जो बनाने का जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर दें। आपको बता दें कि इस बिजनेस में आपको ज़्यादा खर्च होने वाले नहीं है। एक बिजनेस को आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 या इससे अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ने वाला है तो 80,000 होगा। और इतना में आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होने के बाद आपको कोई लागत नहीं होगी, सिर्फ आपको बिजली की थोड़ा खपत होगी। बिजली की खपत अगर आप ऑटोमेटिक चलाते हैं, ऑटोमेटिक मशीन से काम करते हैं तो बिजली का जरूरत पड़ेगा। अगर आप मैनुअल केटअप करना चाहते हैं तो वो बात यह है कि वो कम का तो होगा, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा परेशानी भी होगी। आपकी जो कूलर मेकिंग जो है इसकी रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी। आपको बता दें कि हमने एक वीडियो नहीं बल्कि इसके बारे में सर्च किया है कि कूलर का जो मशीन होता है कूलर बनाने के लिए उसमें कितना खर्च आएगा। तो इसकी जो मशीन है वो हिमाचल प्रदेश में मिलेगा और आप कहाँ से इंडिया मार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आप उस पर इंडिया मार्ट में जाएंगे और आप सर्च करेंगे तो आपको कूलर बनाने की मशीन जो है वो दिख जाएगी और आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमने एक मशीन को देखा, उसका जो प्राइस है वो 60,000 रुपया है और इसकी जो रफ्तार है वो 30 कप का है प्रति मिनट। एक मिनट में आपको 30 कप कूलर बना कर देगी। और आप समझ लीजिए कि आपको एक मिनट में 30 जब हो रहा है तो आप कितना हुआ 30 तो 6 3 18 18 एक घंटे में 1800 कूलर आपको वो मशीन बना कर देगी और वो 1800 कूलर आपको एक घंटे में मिलेगा। एक घंटे काम करके आप कितना कमा सकते हैं? अगर आप वो कूलर जो है वो अगर 1 रुपये ही बेचते हैं तो एक घंटे में आपको कितना मिलता है? एक घंटे काम के लिए आपको 18,000 रुपये 18,000 यानी लगभग आपको 2,000 रुपये हो गए एक घंटे के। 2,000 रुपये अगर आप 10 घंटे करते हैं तो कितना होता है समझ लीजिए, 18,000। अगर 10 घंटे अगर आप काम करते हैं तो 18,000 रुपये हो गए। अगर मान लेते हैं कि एक दिन में वो 18,000 जो कूलर अगर बेच देते हैं तो आपको एक दिन के 18,000 रुपये हुए। तो बताइए कितने लोग ये हैं कि 15,000 कमाने के लिए एक महीने लगा देते हैं और वो आप एक दिन में 18,000 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन आप अपना टाइम देकर नहीं बल्कि एक वर्कर रख के आप 18,000 रुपये कमा सकते हैं। और 18,000 रुपये में के वो जो आदमी आपको आप रखे हैं
वो आप पहली जगह पे करते हैं तो आप कितना बचेगा आप खुद देख लीजिए। चली देंगे तो आप महीने के अंदर महीने के अगर आप 20,000 भी देते हैं तो मान लेते हैं कि आपका एक दिन का जो है वो पेमेंट आप खुद को देकर आप 29 दिन का पेमेंट ले लेते हैं तो 18 या 54 लगभग 40,000 रुपए के लगभग हो गया। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपका जो बिजनेस ग्रो होने लगा, आपका डिमांड जब कूलर का जब होने लगेगा तो आप कूलर को क्या करना है, कूलर को कहकर आप ज़्यादा करेंगे, कहकर आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। आपको इस कूलर को बेचने के लिए क्या करना होगा, चाहे कि दुकान पे जाना होगा जहाँ कूलर में बेचते हैं वहाँ पे, अगर कोई होटल है वहाँ पे कम देते हैं तो आप इसके बारे में इसको बढ़ा दे सकते हैं और आप इसको बढ़ा सकते हैं और कॉन्टेक्ट करके आप सेल कर सकते हैं। और जब आपका डिमांड बढ़ जाएगा, सेल बढ़ेगा तो आपकी जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ने लगेगा और डिमांड बढ़ने के कारण आप उस पर जो उनका रेट है वो भी बढ़ा सकते हैं और इस तरह के आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको अगले तो दोस्तों अगर आप ये बिजनेस करना हो तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सोचने का कुछ नहीं होता, अगर फिर रह जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए अगर आपको ये बिजनेस करना है, अगर मेहनत करते हैं तो आपको करते मिलेंगे, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट कीजिए और अपना लाइफ को बदलिए, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए और आप सक्सेस होंगे तो आपके पीछे बहुत लोग होंगे। अगर आपको कुछ करना है तो आपको आगे बढ़ना ही होगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा, रिस्क लेंगे तो आप जरूर सक्सेस होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में हम नहीं करेंगे। दोस्तों एक बात और, अगर आप कमेंट करके कुछ भी अगर पूछते हैं तो हम इस बता दें आपको कि हम लाइव भी आते हैं तो लाइव में आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों अगर लाइव ज्वाइन करने की आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमें बता देंगे, कमेंट करेंगे कि हम लाइव कब आएँ। आपकी बातों को देखते हुए आपको लेकर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसकी बोली है, सबसे ज़्यादा लोग जिस टाइम में फ्री रहेंगे उसी टाइम हम लाइव आएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।